हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो इसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग क्या रिवाइज कर रहे थे? हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ तक ये चीजें सीख ली थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए और चैट में एक सेकेंड हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए और पोल में इसका आंसर करिएगा। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। है क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में आपको गोले का आयतन सिखाया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर करिए पोल में। बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक बच्चे इसका आंसर करिए पोल में। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है बेटा। लिखा क्या है? लिखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बस पता होना चाहिए कि एक गोले का आयतन क्या होता है, जो कि आपको पिछले क्लास में सिखाया भी गया होगा। रुको, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ आप सभी को। देखो बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस सूत्र का प्रयोग करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। यहाँ पे आर क्या है? आर उस गोले की त्रिज्या है। पाई क्या है? तो पाई का मान 22/7 होता है, यह एक कांस्टेंट है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको आंसर बताता हूं, ठीक है। चलो मैं अब चैट बॉक्स बच्चों ऑन कर देता हूँ। चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए आप सभी। चैट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। ओके, तो दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे ने लिखा है सी, एक बच्चे ने डी, रामपाल और सचिन ने आंसर किया है ए, ठीक है। ओके, और भी आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए चैट में।
चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको यह वाला सूत्र यूज करना पड़ेगा, जबकि आर का मान बच्चों दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो 4/3 × π की वैल्यू रख दीजिए, 22/7 × r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 21, 21 का क्यूब हो जाएगा। अब आप खुद सोचो अगर यह 21 का क्यूब है, ओके बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, समझना, 21 × 21 × 21। इस 21 को कट कर दीजिए 7 से, कितने बार में कट होगा, 3 बार में, क्योंकि होता है 7 × 3 = 21। फिर इस 3 को इस 3 से कट कर दीजिए, तो बच्चों बचेगा क्या, 4 × 2, ठीक है, 21 × 21। इस प्रकार से ये चीजें बचेंगी, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 में, 88 हो जाएगा, इंटू 21 का मल्टीप्लाई 21 में कराओगे तो 441 आएगा, और जब इन दोनों ही चीजों का आप मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका करेक्ट आंसर आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही है, तो आंसर ए वाला सही है। बताइए आप सभी को समझ में आ गया, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बहुत बढ़िया, किसी को कुछ पूछना है बच्चों, अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। नहीं आज सरासर नहीं है, ठीक है, तो आज मैं ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम शुभम ग्रहरी है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, ओके ओके, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। हम चैट बंद कर देते हैं और पोल ऑन कर देते हैं, ओके। चलिए बच्चों पोल में इसका आंसर करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा क्या है, लिखा है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 π cm³ है, यानी कि अर्धगोले का आयतन दे रखा है, हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में भी। चलिए हमने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप इसका आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है चलिए, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हल कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्ध गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें आर के मान को निकालना है, जबकि दे रखा है कि इस अर्ध गोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक अर्ध गोला है, ठीक है, एक अर्ध गोला है और इसका आयतन दे रखा है बच्चों, और आपसे पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप खुद सोचो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है। अर्ध गोले का आयतन, तो बच्चों अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। आप सभी समझने का प्रयास करिए, 2/3 πr³। अब अर्धगोले का आयतन 18 πcm³ है, तो दिए गए मान को रख दीजिए। देखो बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 18 बराबर 2/3 r³। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 18 का 3 में कितना आएगा, 54 बराबर 2 r³। इसलिए आर क्यूब का मान होगा 54/2, यानी कि 27। ठीक है, 27 हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3³, क्योंकि 3 × 3 × 3 आप करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। यानी इसको हम लोग समेट करके लिख सकते हैं 3³। और देखो मैंने वही किया है, 27 की जगह पे 3³ लिखा है। तो कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आर की वैल्यू बराबर होगी 3 के। इसीलिए बच्चों आर का मान होगा 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बताओ उस हिसाब से आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्या आप सभी को समझ में आ गया, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे। अगर ये सवाल समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो वाई लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप,
सारे बच्चे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। तो हम चैट बंद कर देते हैं बच्चों और पोल ऑन कर देते हैं, ठीक है? पोल में इसका आंसर बताइए। बाकी भी, हाँ बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आप, ठीक है? लेकिन उसके पहले आप इसका उत्तर करिए चैट में, चैट में आंसर बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए एक अर्ध गोला है, ठीक है, और इस अर्ध गोले में व्यास दे रखा है, ठीक है, इस पूरे लाइन की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये व्यास है। व्यास का मतलब है डायमीटर। तो बच्चों उस हिसाब से रेडियस क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि डायमीटर का आधा यानी हाफ करने पर क्या मिलता है? त्रिज्या मिलती है, रेडियस मिलता है। तो त्रिज्या का मान होगा 21/2 सेंटीमीटर। बताइए इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये 21/2 क्यों हुआ है?
ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। देखो हुआ क्या है ना कि व्यास दे रखा है यानी कि डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ करोगे आप तब क्या मिलेगा, इसका रेडियस मिलेगा यानी त्रिज्या मिलेगी, तो त्रिज्या का मान हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अच्छा अब आप इसका आयतन निकाल लीजिए, तो अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो इस सूत्र में पाई का मान रख दीजिए और आर का मान रख दीजिए। आर का मान क्या है, 21/2। ठीक है, इस प्रकार से आपने रख दिया। अब मैं, हाँ अब समझने का प्रयास करिएगा, इसको सॉल्व करिए। टू बाई थ्री इंटू 22/7 इंटू, ये देखो 21/2 है, ये कितनी बार है, 3 बार है, क्यूब लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, 21/2 का होल क्यूब मतलब 21/2, 21/2, 21/2, इस तरीके से 3 बार लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको कट कर दीजिए, 3 बार में कट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, इस 22 को कट कर दीजिए तो 11 बार में कट होगा, और कुछ कट होगा नहीं, तो बचेगा क्या, 11 21 into 21/2। बताओ बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई 441 में मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आता है। तो देखो 1584, इसका हाफ कर दीजिए, टू टू जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, इतना ठीक है आएगा इसका आयतन, वो भी किस में आएगा ये भी आप देख लीजिए, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में ये क्या आया है, आयतन आया है उस गोले का, क्योंकि आयतन हमें लीटर में निकालना है। आप जानते भी होंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, इसीलिए 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2425.5 × 1/1000 लीटर। अब ये होगा क्या, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.4255 लीटर्स। तो अब इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कौन सा है, 2.4255 अप्रोक्स, देखो बच्चा कौन सा है, तो 2.42 है ना अप्रोक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 4-3 लिखा हुआ है, इसको आप बना सकते हो अप्रोक्स में लगभग 2.43 लीटर्स। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हाँ दोबारा समझा देता हूं मैं, बाकी बच्चे बताइए क्या आपको समझ में आया। बाकी बच्चे बताएंगे, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो एन लिख सकते हैं।
ओके, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। देखो, बोला क्या गया था कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर, है ना। यानी जो आंसर आना चाहिए वो किसमें आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाया, जो कि क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। अब इसमें हमने पाई का मान रखा और आर का मान रखा, चूंकि हमने देखा कि 21/2 3 times है, तो इसको लिखा जा सकता है 21/2, 21/2, 21/2। जब आप इस प्रकार से लिख लोगे, तब इसको मैंने कट किया है, कट करने पर ये आया है, क्या आया है, 11 × 21 × 21/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 21 को मल्टीप्लाई करो 21 से, कितना होगा, 441 होगा। अब 441 का मल्टीप्लाई कराओगे 11 से, तो क्या आएगा, 4851 आएगा। और 4851 को डिवाइड करोगे बच्चों 2 से, ठीक है, तब क्या आएगा, तब आएगा 2425.5 cm³। बताइए यहां तक आपको समझ में आया, क्या आपको यहां तक समझ में आया कि आयतन आ चुका है 2425.5 cm। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आया ना बच्चों, है कन्वर्सन के लिए, ठीक है, ये चीजें आपको सिखाई भी गई हैं कि 1 cm³ बराबर होता है 1/1000 L। तो उस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, तो इस 2425.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/1000 L से। अब होगा क्या, चूंकि यह 1, 2, 3, 3 0 है बच्चों, है ना। अब ये 3 0 इसको डिस्प्लेस करेगा डेसिमल को 3 बार में, तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तब बन जाएगा 2.4255 L। इसको आप लोग लिख सकते हो लगभग 2.43 L। इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए वाला पार्ट सही होगा। सबको समझ में आ गया आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं एक तरीके से समरी के फॉर्म में, ठीक है। अभी तक आपने जो भी चीजें सीखी वो अब समरी के फॉर्म में, यानी एक सारांश के फॉर्म में, है ना, आप सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद करो, सबसे पहले सिखाया गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आप आकृति देख पा रहे हो, ये क्या है, एक घनाभ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड, ठीक है। अब इसमें लंबाई दे रखी है, ठीक है बच्चों, चौड़ाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये तीनों चीजें मालूम है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 (L×B)+(B×H)+(H×L)। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं दोबारा लिख देता हूँ, L×B+(B×H)+(H×L)। बच्चों, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में आंसर करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ये फार्मूला आपने सीख लिया, हालांकि ये चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं, इसीलिए समरी है, ठीक है बच्चों। अब आपको सिखाया गया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन क्या होता है, तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, और यह एक 3D फिगर होता है बच्चों,
तो ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बना दिया आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये क्या है? एक घन है। पृष्ठीय का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² जहां पे ए क्या है, तो ए इसकी एक भुजा है। आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर हाँ तो एक बार चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। मान लेते हैं कि इसी प्रकार से एक घन दे रखा है जिसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी TSA या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? चैट बॉक्स में आंसर करके बताइए। चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अगर उस घन की भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया, बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। गुड, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, तो इसी वाले सूत्र का प्रयोग किया होगा, है ना? हमने क्या दे रखा था, हमने आपको ए का मान दे रखा था 4 सेंटीमीटर, और हमने आपसे क्या पूछा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मान क्या होता है, 6a² होता है। ए का मान रख दीजिए बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 का गुणा 6 में कराओगे तो 96 आएगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो आपको ये भी सिखाया गया था कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन क्या होता है इसको सीखिए आप जरा सा। इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें सीख चुके हैं बच्चों। तो ये जो आकृति में बना रहा हूं यह एक बेलन है, ठीक है। अगर इस बेलन का ऊंचाई दे रखा है h और इसकी त्रिज्या का मान दे रखा है r, तो बच्चों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2πrh। आप सभी समझ पा रहे हो उस चीज को? ठीक है, यस। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, क्या आप सभी समझ पा रहे हो उस चीज को? बहुत बढ़िया, ओके बच्चों, अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि बताओ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वही जो मैंने अभी को बताया ना, समझना, यही वाला बेलन है यानी सिलेंडर है। अब इसका आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो
तो बच्चों इसका सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? ओके चलो बच्चों, एक क्वेश्चन करके मेरे को आंसर बताओ। मान लेते हैं कि अगर आपको एक बेलन दे दिया जाए जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सारे बच्चे आंसर करिए चैट बॉक्स में। आपसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। ओके तो देखो क्या होता है इसका आंसर। आप क्या करोगे, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच, तो 2 × π की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए 3 और एच की वैल्यू रख दीजिए 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 × 3 × 6, 3 × 6 6 × 12, 6 × 12 एंड 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है उनका करेक्ट है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए फिर हम लोग आगे कुछ कुछ चीजों को देखते हैं और सीखते हैं। अब देखिए आपको सिखाया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु क्या होता है, तो शंकु एक प्रकार की आकृति होती है जैसे बर्थडे में बच्चे है ना कैप के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे बर्थडे वाले दिन पहनते हैं, आपने देखा भी होगा इस प्रकार की एक आकृति, इसी का नाम है बच्चों शंकु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो मैं पार्ट कलर कर रहा हूं ना, कर्व है ये, वक्र है ये, तो इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है πr(l), जहां पे r क्या है, तो r इसके आधार की त्रिज्या है, L क्या है, तो L इसकी तिरछी ऊंचाई है बच्चों। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, बहुत अच्छी बात। अब मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि बताइए एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है बच्चों। आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझेंगे आप सभी, तो आपको ऊपर वाला पार्ट तो लेना ही लेना है,
साथ में ये नीचे वाले पार्ट को भी लेना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस इसके भी क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यह क्या है? तो यह टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका? तो एक कोण का, एक शंकु का। बताइए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गए? बहुत अच्छी बात। फिर आपको सिखाया गया था गोले के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एक जो गोला होता है, ठीक है, एक जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? तो आर इसकी त्रिज्या है। बताइए, आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इसका उत्तर बता पाओगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। तो जिसको नहीं आ रही है बेटा, आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया, तो बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, पूछा क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। 4 × पाई की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। पाई की वैल्यू सारे बच्चे जानते होंगे, 22 22/7 होता है। आर का मान क्या है? 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22/7 × 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 × 7 लिख सकते हैं। 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 28 × 22 होगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करा के देख लो बच्चों, 8 दूनी 16 के साथ में 1 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, छह सौ सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा उनका करेक्ट आंसर है, जैसे कि रघु राम कुमार और हुदा इंदु। यस, बट यही है कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या आपको सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर आपको सिखाया जाए कि अर्धगोले का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो आप सीखिए। हालांकि ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। इस प्रकार से एक अर्धगोला है, पूछा जा रहा है कि बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है, टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस, 2 पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? बच्चों सबको समझ में आ गई ये? ओके गुड।
अब अगर बोला जाए कि बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको भी सीखिए। अब इस प्रकार से एक अर्धगोला है, अब इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो ये वक्र वाला पार्ट तो आपको लेना ही लेना है, साथ में एक ये जो पार्ट है ना वृत्त वाला, इसको भी आपको लेना पड़ेगा बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वक्र वाले के लिए क्षेत्रफल अभी को आपने सिखाया, अभी आपने सीखा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ तीनों दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि इसका क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया होगा। तो एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लेते हैं अगर आर का मान, ठीक है, अगर आर का मान लेते हैं 7/2, ठीक है, यस 7/2 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आंसर करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आंसर करिए। ओके आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। तो चलो इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमने क्या पूछा था, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये होता क्या है, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 को 3 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, इनटू आर की वैल्यू है 7/2। अब ये 7/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7/2 कितनी बार होगा, 2 बार ही होगा बच्चों, 1 7 से 1 7 कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इस 11, हाँ इसको 22 को कट करेंगे तो 11 आएगा, समझिएगा, तो ये हो जाएगा 33 × 7/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23/2 डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखिए, घनाभ का आयतन आपको सिखाया गया था, घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो अगर इसकी लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई बी है और इसकी ऊंचाई एच है बच्चों, तो इसका आयतन होता है LBH, ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, LBH। ओके अब देखिए, अगर आपको घन का दे रखा है आयतन, तो ये क्या होगा, तो घन का आयतन होता है A³, यहाँ पे A क्या है, तो A इसकी भुजा की लंबाई है, ठीक है। फिर अगर बेलन के आयतन की बात करें, याद करो बच्चों, बेलन यानी कि सिलेंडर,
एक सिलेंडर का जो आयतन होता है वह क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जहां पे आर क्या है, तो आर इसकी आधार की त्रिज्या, एच क्या है, तो एच इसकी ऊंचाई। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक शंकु का आयतन क्या होता है, ठीक है, एक शंकु का आयतन बच्चों ध्यान से देखिए, तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लीजिए गोला है और इसका त्रिज्या दे रखा है आर, तो इसका आयतन बच्चों होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सपोज एक अर्धगोला है, ठीक है, तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं बच्चों, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो जितनी भी चीजें सीखी हैं, है ना, वह एक पेज पर ये ला दिया गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूला एक ही पेज पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, बहुत अच्छी बात, ठीक है बच्चों, ये क्लास ओवर होती है, ठीक है।